और बढ़ते आगे एक तरफ, जहां बीजेपी ने कर्नाटक में एच डी कुमार स्वामी की सरकार को गिराने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए, तो वहीं इससे सकते माई कांग्रेस अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को लेकर सतर्क हो गई है। कर्नाटक भवन हालातों के बाद कांग्रेस को अब लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी भगवा पार्टी अपना प्रभाव दिखा सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कमलनाथ सरकार को लेकर आ रहे बयानों से कांग्रेस परेशान है। पेश है इसी पर हमारी यह रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का पारा जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की नींद उड़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ ही उसने कांग्रेस का सोना भी दुश्वार कर रखा है, क्योंकि जिस स्थिति से कांग्रेस कर्नाटक में रूबरू हो रही है, उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी राजनीतिक हलचल बढ़ती दिख रही है। कर्नाटक में बीजेपी का दावा है कि गठबंधन की सरकार अल्पमत में है, और कांग्रेस जेडीएस नेता लोकतंत्र के नाम पर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि सरकार में से दो निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इसके साथ ही कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस के किले को ढहाने की पूरी कोशिश में लगी है। इसी वजह से गुरुग्राम में बीजेपी विधायकों को रखा गया, लेकिन कांग्रेसियों ने यहां धावा बोल दिया और पहुंच गए विरोध प्रदर्शन करने। हमारे सारे 118 एमएलए इंटैक्ट है, कोई किधर जाने वाला नहीं है। जिन उसूलों पे उन्होंने चुन के आया है, उन उसूलों को लेकर वो मजबूती के साथ कांग्रेस में खड़े हुए हैं। लेकिन पेपर में, टीवी में, हर जगह ऐसे अफवाहें बीजेपी फैला रही है कि उनके पास 10 है, 15 है, 20 है, बम्बई में है, दिल्ली में है, कहीं कहीं जगह के नाम बताकर वो लोगों को जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अफवाहें उठा रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की मिलीजुली सरकार है। बैन विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बैसाखी पर चल रही है। ऐसे में बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा सकती है। वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि तीन राज्यों में मिली करारी हार के बाद बीजेपी परेशान है, और कर्नाटक के साथ साथ अब मध्य प्रदेश में भी खरीद फरोख्त पर उतर आई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री जी का आज मैंने पढ़ा है स्टेटमेंट पेपरों में कि पूरी मेजॉरिटी उनके साथ है। उन्होंने कहा मैं रिलैक्स्ड हूँ, 118 विधायक उनके साथ हैं, ये हर स्टेट में इसी तरह करेंगे, क्योंकि घबराहट में तीन स्टेट हार गए हैं, लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा में ये बाहर हुए तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लंबे बाहर हो जाएंगे। तो ये फड़फड़ाहट में है, उसी फड़फड़ाहट में ये मध्य प्रदेश में भी हॉर्स ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने चार बार, कमलनाथ जी ने चार बार फ्लोर पे मेजॉरिटी प्रूफ कर दी 121 लोगों की। बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? जाहिर है मध्य प्रदेश विधानसभा की तस्वीर को देखें तो बीजेपी को जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए 7 विधायकों का समर्थन चाहिए, जिससे वो फिर से सत्ता में वापसी कर सके। समझाते हैं आपको आंकड़ों का ये गणित। मध्य प्रदेश में कुल विधायकों की संख्या 230 है, जिसमें से कांग्रेस के पास 114 और बीजेपी के पास 109 विधायक हैं। इसके अलावा बीएसपी 2 और एसपी के पास 1 विधायक है। निर्दलीय विधायकों की संख्या की बात करें तो उनकी संख्या 4 है, और सरकार में बने रहने के लिए कुल 116 विधायकों का समर्थन जरूरी है। तो इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए बीजेपी खेल खेल रही है और खुलेआम कमलनाथ सरकार को गिराने की चेतावनी दे रही है। बीजेपी के महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान आप सुनेंगे तो कहेंगे कि राजनीति में ऐसा भी होता है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि बस हाईकमान को छींक आ जाए, बॉस का इशारा हो जाए, कमलनाथ सरकार 5 दिन में गिरा देंगे। बोले सरकार 5 दिन चलने वाली नहीं, जिस दिन ऊपर से सिग्नल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। बोले सरकार 5 दिन चलने वाली नहीं, जिस दिन ऊपर से सिग्नल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे, तुम चिंता मत करो।
आपने केंद्रीय नेतृत्व को नहीं की करो कैसे कर देंगे, तो बहुत मामूली बात है, पर जनादेश मिला है तो उनको चलाने देते, चलाते कितने दिन चलाते हैं। देखिए 15 साल से हमने सत्ता में लेके सरकार चलाया, हम सत्ता में आए और इसलिए कार्यकर्ताओं के आदर्श सत्ता की हो गई। अब हमें अपनी धार पहली करना पड़ेगा। तो सुना आपने, जब खुले तौर पर कहा जा रहा है कि हाईकमान के ऑर्डर होने पर 5 दिन में सरकार गिरा देंगे तो सामने वाली पार्टी में हलचल होना लाजमी है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे लोगों ने भी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए लोहे के चने चबाए हैं। इसलिए बीजेपी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस को राजगद्दी से खींचकर उतारना आसान नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।